डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं गणित, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के सभी सवाल जो है तो हल करेंगे। मैंने प्रायः देखा है कि मेरे कुछ वीडियोज में लाइक के साथ जो है तो डिसलाइक भी आ रहे हैं, सो मैं उसके लिए जो है तो बुरा नहीं मानता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो कैसे भी मेरे वीडियोज में आते हैं, पर आते तो हैं, और जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए भी जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपके सामने प्रश्न 1 दिया गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये जो भिन्नें दी गई हैं, इन्हें हमको जो है तो बताना है कि इनका जो दशमलव है तो कैसा है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा होगा कि दशमलव प्रसार जो होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शान दशमलव और आसान दशमलव। शान दशमलव वे होता है कि जब हम किसी जो है तो अंश में और किसी हर का हम यदि भाग करते हैं तो जो भाग की क्रिया होती है तो कुछ अंकों के पश्चात जो है तो समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार का जो है तो दशमलव प्रसार जो है तो शान दशमलव कहलाता है। और ठीक इसी के विपरीत यदि किसी हम परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग दें और भाग की प्रक्रिया जो होती है तो दशमलव के अंकों के पश्चात भी बार बार जो है तो निरंतर चलती रहती है, वही वही अंक जो है तो बार बार आते रहते हैं, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो है तो आसान दशमलव प्रसार कहलाता है। इसको जो है तो एक और नाम दे दिया गया है जो आसान दशमलव प्रसार होता है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं, कितना दिया है, 36/100। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, एक तरह से आप इसको चाहे भाग करके कर लीजिए या तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक नियम होता है कि यदि कोई आधार संख्या का भाग दिया जाए किसी भी संख्या से तो आधार संख्या में जितने जीरो होते हैं उतने अंक जो है तो दशमलव पीछे की ओर खिसका दिया जाता है। जैसे ये दो जीरो हैं तो इसका दशमलव दो अंक पीछे चला जाएगा, 1, 2 मतलब यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.36। मतलब 36 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो मैं यहाँ भाग करके ही आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको जो है तो लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम 100 का भाग दिए 36 में तो भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम 0 लिखेंगे। अब दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब भाग जो है तो 3 बार चला जाएगा तो यहाँ 300 आ गया, देखिए 0 और ये 6 आया, 3 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ दशमलव लगा ही है तो यहाँ हम फिर से जो है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 100 छक्के जो है तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ भाग की प्रक्रिया जो है तो दशमलव के दो अंकों के पश्चात जो है तो समाप्त हो गई है, इसलिए इसे हम बोल देंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है ये जो है तो यहाँ हम लिख देंगे 36/100 बराबर कितना आ गया, 0.36। इसको हम लिख देंगे यहाँ शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से आपका जो है तो पहला क्वेश्चन जो है तो हल होता है। इसी तरह हम दूसरा यदि लेते हैं, दूसरा नंबर इसका, तो देखिए दूसरा नंबर लेंगे तो 1/11 है। अब यहाँ देखिए 1 को जो है तो 11 से भाग करेंगे, ये 1 है ये 11 है, भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे,
दशमलव लगाएगा तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए जीरो। अब फिर से ये 10 है, ये 11 है, फिर भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने जो है तो दशमलव पहले ही लगा दिया है, इसलिए यहाँ जो है तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार भाग नहीं जा रहा 10 में 11 का, तो एक बार हम फिर से जीरो यहाँ लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे, चूंकि दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो हम यहाँ फिर से जीरो लिखेंगे, तो 11 का 9 बार जाएगा तो 99 आ जाएगा। फिर से यहाँ क्या करेंगे, देखिए 10 में 9 घटाएंगे तो 1, इसका हासिल फिर से इसमें आया तो ये 0 हुआ, फिर ये 0 हुआ। अब फिर क्या करेंगे, फिर ये 1 है 11 जो है, तो पहले हम ये करेंगे दशमलव लगा, दशमलव के बदले में 0, तो 10 है 11, फिर भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ जो है तो भाग नहीं जा रहा, तो पहले हम क्या लिख देंगे, 0 भाग नहीं जाता, इसलिए फिर यहाँ अब दशमलव लगा था 0 लिख दिए फिर से। फिर कितने बार जाएगा, 11, 90, 99, तो यही चीज़ जो है तो बार बार देखिए आता जाएगा, ये मतलब 09, 09, 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 1 को यदि हम 11 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 0.09। और ये हम बार का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 0 और 9 जो है तो बार बार अंक ये जो है तो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव। अब तीसरा नंबर यहाँ लेते हैं, यहाँ तीसरा नंबर जो है तो ले रहे हैं, कितना है, 4/1/8 है। तो देखिए पहले इसको हम विषम जो है तो परिमेय संख्या में लिख लेते हैं, तो 8 का 4 में गुणा 8 चौके 32 और 1 ये 33, और ये कितना आ गया 8, 33/8 आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, 33 को जो है तो 8 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ फिर देखिए भाग जो है तो चला जा रहा 33 में 8 का, तो कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 32 लिख देंगे, 1 आया ये 0। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये 1 है और ये 8 है, अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ हम दशमलव लिख लेंगे, तो ये 0 हुआ, 8 एक कम 8 हुआ, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा है तो 0 यहाँ हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और यहाँ 0 आ जाएगा, ये इसका मतलब इसमें आया 2 में 2 तो 0। अब ये फिर से 0 हो गया, तो 8 पंचे कितना हो गया, 40। देखिए यहाँ 0 जो है तो शेष फल आ गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कितना आ गया, 33 में हम 8 का भाग दिए तो आ गया 4.125। देखिए यहाँ अंक बार बार जो है तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब 1, 2, 5 आने के बाद जो है तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव है। अब हम चौथा नंबर लेते हैं, कितना है, 3/13। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 को जो है तो 13 से भाग करेंगे, तो ये 3 है और ये 13 है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, दशमलव आएगा, जब दशमलव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26। अब यहाँ 10 में 6 घटाएंगे तो 4, इसका हासिल इसमें तो 3 हुआ, ये 0 हुआ। फिर देखिए अब दशमलव तो लगा ही है तो यहाँ 0 हम बढ़ाते जाएंगे, तो 13 या 39 तीन बार जो है तो जाएगा। फिर यहाँ 10 में 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1, इसका हासिल इसमें तो 0। अब दशमलव जो है तो लगा था, यहाँ हम 0 करेंगे। अब देखिए 10 है 13 है, भाग नहीं जाएगा तो फिर भाग नहीं जाता तो 0 लिख देंगे। फिर अब ये दशमलव के बदले में जो है तो हम 0 लगा देंगे, तो कितने बार जाएगा, 13/97, 13 8 तो 4 ज़्यादा हो जाता है, 13/97 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 में हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
9, ये 10 हुआ, 10 में 10 घटाए तो कितना हो गया 0, फिर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, दशमलव तो लगा ही था तो यहाँ 0 करेंगे, तो 13 पचे 65, 13 6 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाता है, 13 6 78 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 10 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 8 हुआ, तो 9 में 8 घटाए तो कितना हुआ 1 हुआ। अब ये दशमलव लगा ही है तो 0 कर देंगे, तो 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा, 9 बार जाएगा 13 9 117। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, और इसका हासिल इसमें 2 में 2 0 और 1 में 1 0। देखिए फिर यहाँ 3 आया है, फिर जो है तो दशमलव के बदले में हम 0 लिखेंगे तो फिर 30 जो है तो हो जाएगा, मतलब यहीं से प्रक्रिया फिर समाप्त हो जाएगी, यही अंक फिर से बार बार आने लगेंगे, 2 3 0 7 6 9, मतलब ये भाग की प्रक्रिया कभी अब आगे जो है तो समाप्त नहीं होने वाली है, ये अंक बार बार से जो है तो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ हम ऊपर फिर से बार का चिन्ह जो है तो लगा देंगे, मतलब हम कह देंगे कि ये जो है तो कैसा है, अशांत दशमलव है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 13 बराबर लिख देते हैं 0.2 3 0 7 6 9, और ये बार का चिन्ह लगा देते हैं, मतलब ये अंक बार बार रिपीट होंगे, इसको हम लिख देते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। 55 नंबर है देखिए, 2 बटे 11, इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 को जो है तो 11 से भाग करते हैं, देखिए 2 है 11 है, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 0, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 11 1 कम 11 हुआ, 10 में 1 घटाएंगे तो 9, ये 0 हुआ। अब दशमलव यहाँ लगा ही है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, 11 8 88, 8 बार जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, ये 0 हुआ। अब दशमलव लगा ही है तो 0, तो 11 1 कम 11 हो गया, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये 2 हो गया 0। अब फिर से हम यहाँ क्या करेंगे देखिए, ये दशमलव तो लगा ही है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, फिर से 11 8 88, और 10 में 8 घटाएंगे तो 2, और ये 0। फिर देखिए यहाँ क्या होगा, फिर से यही प्रक्रिया, यहाँ 0 हम लगाएंगे दशमलव के बदले में, और फिर जो है तो 11 का भाग 1 बार जाएगा, मतलब यहीं से फिर प्रोसेस जो है तो शुरू हो जाएगी, मतलब 1 8 1 8, ये जो है तो बार बार जो है तो आता रहेगा, यहाँ से देखिए ये 1 8 1 8, वैसे यहीं से प्रोसेस हो रहा था तो ओनली 1 8 बस जो है तो यहाँ रिपीट हो रहा है, इतना यहाँ मैंने एक्स्ट्रा जो है तो लिख दिया था। तो देखिए यही मतलब 1 8 1 8 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 11 बराबर हो जाएगा 0.18, और ये बार का चिन्ह लगा देंगे, तो ये भी देखिए इसको भी लिख देंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, या कि अनवसानी पुनरावृत्ति जो है तो लिख सकते हैं। आपको जो मैंने पिछले क्वेश्चन में उसको आप अनवसानी जो है तो पुनरावृत्ति ही माने, क्योंकि जो है तो उसमें ये जो अंक होते हैं दशमलव के बाद, तो बार बार जो है तो वही वही जो है तो आते हैं, मतलब 2 अंक रिपीट हुए फिर वही 2 अंक आता है ऐसे करके, या 3 अंक रिपीट हुए वही अंक आता है, तो है उनको हम अनवसानी पुनरावृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं तो जैसे वही वही अंक आते हैं, देखिए 2 बार ये आया फिर वही रिपीट होता है, ऐसे वही वही अंक जो है तो बार बार आता है, तो इसको हम पुनरावृत्ति कहेंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति, या कि शांत दशमलव, ना कि इसे हम
अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। अनवसानी अनावर्ती में क्या होता है कि वो मतलब भाग की प्रक्रिया तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन अंक जो है तो बदल बदल कर आते रहते हैं ऐसे, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ जो है तो हम 6 नंबर को जो है तो हल करते हैं। 329 में 400 का भाग करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 329 में जो है तो 400 का भाग करेंगे। देखिए 400 का भाग 329 में नहीं जाएगा तो जीरो लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बदले जीरो लिखेंगे। तो अधिकतम कितनी बार जा सकता है, यहाँ देखिए 400 का इसमें भाग, तो कितने बार जाएगा यहाँ 8 बार, तो 3200 हो जाएगा। जीरो हुआ, 9 हुआ, जीरो हुआ, जीरो। अब देखिए ये 90 है, 400 है, भाग नहीं जाएगा, तो हम फिर से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ हम जीरो लिख लेंगे। अब कितने बार जाएगा देखिए, 400 दूनी 2 बार, 800 हुआ, जीरो हुआ, जीरो हुआ, 9 में 8 घटा दी तो कितना आ गया, 1। अब देखिए फिर से जो है तो 400 में नहीं जाएगा, अब यहाँ दशमलव लगा है तो हम यहाँ जीरो लिख सकते हैं, तो 4 दूनी 800 फिर से जो है तो आ जाएगा, तो जीरो हुआ, ये जीरो, 10 में 8 घटाए तो कितना आया, 2, ये जीरो हुआ। फिर से देखिए यहाँ दशमलव लगा है तो हम जीरो लिख सकते हैं, तो 4 पंचे 20, 400 पंचे जो है तो 2000 आ जाएगा। तो देखिए भाग जो है तो पूरा पूरा चला जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको 0.8225, जो कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है। तो आई होप आपको सभी इसके नंबर जो है तो समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको प्रश्न 2 का जो है तो हल बताता हूँ। अब प्रश्न 2 दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ये बार का चिन्ह लगा है, इतना होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ जो है तो देखिए 1/7 बराबर मतलब 1 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा यहाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ज्ञात है कितना ज्ञात है, 1/7 बराबर 0.142857 और ये बार का चिन्ह लगा है, तो इतना हमें ये जो है तो ज्ञात है। अब हमें जो है तो भाग नहीं करना है कि 2 में यदि हम यहाँ 7 का भाग करें, 3 में 7 का भाग करें, 4 में, मतलब हमको बिना भाग दिए ही यह बताना है कि इनके दशमलव प्रसार जो हैं तो क्या हैं। तो इसको जानने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम पहले 2/7 लिखते हैं। तो आप ये समझिए कि 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2×1/7 ऐसे हम इसको कर देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो 2 का 1 भी गुणा करेंगे, 2×1 = 2 और ये 7 ही आ जाएगा, यही जो है तो यहाँ आ जाएगा। तो 2/7 को हम इस तरह जो है तो लिख सकते हैं, 2×1/7। अब देखिए 2 तो है ही और 1/7 का जो है तो यहाँ भाग देने पर मान दिया गया है कि 0.142857 बार जो है तो आता है, तो यहाँ हम इसी को यहाँ लिख देंगे 1/7 की जगह 0.142857। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2×7=14 हासिल 1×2×5=10 11 हासिल 1 2×8=16 2×8=16 और 1×17=7 हासिल 1
दो दूनी चार, हाथ से लेकर मिलाए तो पाँच, दो चौके आठ, दो एक कम दो, और दशमलव लगा है दशमलव, और दो शून्य शून्य, और इसमें हम बार का चिन्ह से जो है तो लगा दिए। तो 2/7 का मान जो है तो इतना आ गया। देखिए मतलब 2 में हम 7 का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ। इसी तरह हम 3/7 को देखिए कैसे लिखेंगे, 3 गुणे, और इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 फिर से उसी तरह करेंगे, 1/7 का मान यहाँ दिया गया है 0.142857। अब फिर से इसको हम गुणा कर देंगे, देखिए 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 2 6 6 2 और 8 हो गया, 3 4 12 की 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4, दशमलव लगाएंगे 3 0 0, और ये बार का चिन्ह लगा दिए यहाँ। इसी तरह यहाँ 4/7 का मान जो है तो निकालेंगे, तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो 4 लिखेंगे, 1/7 का मान फिर से लिख देंगे 0.142857, और ये बार का चिन्ह लगा है, तो फिर से 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 की 4 हासिल 3, 4 2 8, 3 11 की 1 हासिल 1, 4 4 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 4 1 कम 4 1, 5 दशमलव लगाए 4 0 0, और ये बार का चिन्ह लगा दिए। ऐसे अब हम लिख देंगे यहाँ 5/7, तो 5/7 को हम 5 × 1/7 लिख देंगे, तो 5 और 1/7 का मान कितना आया है 0.142857, ये हमें पहले से ज्ञात था। तो इसको करेंगे तो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 5 25, 3 28 की 8 हासिल 2, 5 8 40, 2 42 की 2 हासिल 4, 5 2 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 5 6 20, 1 21 की 1 हासिल 2, 5 1 कम 5, और 2 7, और दशमलव लगा 5 0 0, तो इतना आ गया, ये बार का चिन्ह लगा दिया मैंने। इसी तरह लास्ट कितना था 6/7, तो यहाँ 6 को हम 6 × 1/7 लिख सकते हैं, तो 6 लिखेंगे, और 1/7 का जो है तो यहाँ मान दिया गया है 0.142857, मतलब ये भाग करने पर इतना आया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। गुणा कर देते हैं, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 की 4 हासिल 3, 6 8 48, 3 51 की 1 हासिल 5, 6 2 12, 12 5 17 की 7 हासिल 1, 6 4 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, और दशमलव लगाए 6 का 0 में करेंगे 0। तो इस तरह से जो है तो आपके ये सभी जो है तो आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि 1/7 जो कि इसका भाग फल दिया गया था कि इतना था, और इसके सहायता से जो है तो मैंने इन सभी के जो है तो भाग फल निकाल लिए। तो आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।